चलिए, आपको जो बेसिकली किस किस में प्रॉब्लम आता है, मॉड फंक्शन, इनइक्वेशन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनमें प्रॉब्लम आता है। पर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, अभी हम कवर करेंगे मॉडुलस फंक्शन और इनइक्वलिटीज बेस्ड क्लॉक क्वेश्चंस को, ठीक है। और मॉडुलस की इक्वेशंस में जो जो प्रॉब्लम आती है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मॉड फंक्शन होता क्या फंडामेंटली, तो मॉड एक्स का मतलब होता है, पहले तो मॉड मतलब एनी इनपुट आउटपुट विल बी पॉजिटिव। हम कोई भी इनपुट दें हमें आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। माइनस फाइव है तो प्लस फाइव, माइनस सिक्स है तो प्लस सिक्स, टू है तो टू, 2.5 का मॉड है तो 2.5, माइनस 3.9 का है तो 3.9, है ना। अब जब मॉड एक्स की हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। इसका मीनिंग समझ लें आप, इसका मतलब मॉड का आंसर कभी निगेटिव नहीं होता, पर ये निगेटिव और जब आप लेस देन जीरो लिखते हैं तो इसका मतलब है निगेटिव इनपुट दे रहे हैं ना। स्केल्स ये होता है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि x इक्वल टू जीरो, यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव, यहाँ जाएंगे तो नेगेटिव। तो जब आप जीरो से कोई छोटी वैल्यू रखते हैं तो इस फंक्शन में रखते हैं, सपोज आपने माइनस टू पुट किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। आपने माइनस थ्री पुट किया तो प्लस थ्री हो गया, माइनस फोर पुट किया तो प्लस फोर हो गया, और थ्री टू फोर रखना है तो इसमें रखेंगे, राइट। और अगर इसको हम ग्राफ से समझें तो कुछ ऐसा इसका ग्राफ बनता है कि जब पॉजिटिव है तो ये बन गया और जब नेगेटिव है तो ये बन गया। स्ट्रेट लाइन होती है ये बेसिकली, y इक्वल टू होता है तो y इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में ये लाइन हो गई। और जब हम बात करते हैं लेस देन जीरो की तो इसका ओपन ही ऐसा होता है, इफ x इज, तो अब नेगेटिव रखते हो तो लेस देन जीरो के लिए ये लाइन होगी, पर आउटपुट क्या मिला है, पॉजिटिव, इसलिए ये ऐसा लाइन आ गया, राइट। अब क्या होता है जब आपको क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो बताता हूँ आपको। हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड एक्स माइनस फोर इक्वल टू टेन। हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए मॉड एक्स माइनस वन प्लस, पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा फिर इनकी ट्रिक्स भी होंगी सबकी, मॉड एक्स माइनस फाइव इक्वल टू थर्टी। तो मॉड फंक्शन पे कोई ऑपरेशन लगेगा ही नहीं जब तक कि मॉड को हम ओपन नहीं करेंगे। या हो सकता है आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ थ्री एक्स प्लस फाइव का मॉड प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन मॉड एक्स प्लस ट्वेंटी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये सारे टाइप्स इसमें बनते हैं, तो हम इसमें सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। और बिल्कुल बेसिक से एक बार की क्लास में ही पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये आपको कैलकुलस में भी काम आएगा और हर जगह काम आने वाला पोर्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉड फंक्शन को जैसे ये लिखा हुआ है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आपको कभी ऐसा बोला, समझना, अगर मैंने आपसे कभी ऐसा बोला कि मॉड एक्स इक्वल टू फोर, ठीक है, तो इसका मतलब है एक्स की क्या वैल्यू होंगी, प्लस माइनस फोर, यस और नो, क्योंकि प्लस फोर पर भी ये फोर मिलेगा और माइनस फोर पर भी फोर। यानी इन जनरल हम ऐसा बोल सकते हैं कि मॉड एक्स इक्वल टू ए है तो हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि प्लस ए पर भी ये ए होगा और माइनस ए पर भी ये ए होगा। अब सपोज आपको ये तो ठीक ब्रेकिंग पॉइंट पर है, अब मान लो आपको ऐसा दिया होता मॉड एक्स माइनस ए, या कोई नंबर लिख लेते हैं, मान लो x माइनस टू इक्वल टू सपोज 10, ठीक है, क्या दिया हुआ है मॉड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, मॉड x माइनस टू इक्वल टू 10। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस टू इक्वल टू बोलो प्लस माइनस 10, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इक्वल टू 10 प्लस टू मीन्स 12, टेकिंग निगेटिव साइन, x इक्वल टू 10 माइनस टू 8, यस और नो, यहाँ माइनस का होगा, ये माइनस का 12, सॉरी नहीं, ये माइनस 10 जब आपने लिया था प्लस वाला, तो माइनस 10 प्लस 2 12 भी ठीक है, और यहाँ पर माइनस 10 प्लस 2 तो माइनस ऑफ 8। अब देखो आपने 12 यहाँ पर रखा तो 12 माइनस 2 कितना 10, और जब आपने माइनस 8 रखा तो माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10। अब एक चीज़ मैंने आपको हमेशा बोली थी, वो चीज़ आप नोटिस करिएगा कि अगर
मॉड एक्स इक्वल टू लिखा है 4, तो इसके दो रूट्स हुए, कौन कौन से? प्लस माइनस 4, अगर प्लस 4 है तो माइनस 4 भी होगा, बोला था। पर वहां पर आप देख रहे हो कुछ चेंज है, क्या चेंज है बताओ? अगर मैं लॉजिक से समझूं तो मैंने आपको एक चीज बोली है कि मॉड में जैसे प्लस का सॉल्यूशन होता है वैसे ही सेम माइनस का होता है, बट ये शिफ्टिंग ऑफ कर्व है, ये 2 इसमें शिफ्ट हो गया, तो इस केस में प्लस माइनस 10 नहीं होगा, नहीं समझे? अभी थोड़ी देर के लिए मान लो प्लस माइनस 10 मान लेते हैं, तो अब प्लस माइनस 10 में ये क्या है, इसका ब्रेक कहां पर हो रहा है, इसका ब्रेक कहां पर हो रहा है? अगर इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 2 पर, तो इसमें एक बार 2 ऐड होगा और एक बार 2 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसलिए देखो आपको क्या मिला है, 12 और माइनस ऑफ 8। जब आप 12 रखते हो तो क्या होता है, 12 माइनस 2 10, और जब माइनस 8 रखते हो तो माइनस 8 माइनस 2 कितना, माइनस 10। अभी समझते हुए चलना आप, जैसे सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाए कि मॉड एक्स प्लस 3 इक्वल टू सपोज 20, तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं, बताइए क्या क्या होंगे? एक तो आपको देख के समझ में आ रहा है 17 प्लस 3 20, और एक माइनस 23 भी तो हो सकता है, यस और नो? देखो अगर मॉड एक्स इक्वल टू 20 लिखा है तो आप एक सेकंड में बोलते हैं प्लस माइनस 20 होगा, इसका भी प्लस माइनस 20, पर इसमें कर्व जो है वो 3 से शिफ्टेड है, माइनस 3 से, इसको 0 से जब इक्वेट करते हैं आप तो आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलता है माइनस ऑफ 3। तो एक बार माइनस 3 ऐड होगा और एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, तो जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा भाई, ये प्लस माइनस आएगा ना, पहले तो इसको ओपन करोगे तो ऐसा लिखोगे x प्लस 3 इक्वल टू बोलो प्लस माइनस ऑफ 20, ठीक है? एक बार लिया प्लस साइन, तो x प्लस 3 इक्वल टू 20 यानी x इक्वल टू 17, एक बार लिया माइनस साइन तो x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 20, तो x इक्वल टू माइनस माइनस 23। अब आपको भी दिख रहा है माइनस 23 प्लस 3 माइनस 20, उसका मॉड हो गया 20, और आपने अगर 17 रखा तो 17 प्लस 3, समझ में आ रहा है? तो अगर सिंगल मॉड है तो आप इस ढंग से उसको बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हो, यानी यहाँ पर एक कंसेप्ट बना सकते हैं हम कि मॉड एक्स माइनस ए होगा, मान लो, समझिएगा, अगर मॉड एक्स माइनस ए है मान लो, तो क्या होगा इसमें, एक्स माइनस ए इफ बोलो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और माइनस ऑफ एक्स माइनस ए इफ एक्स इज लेस देन ए, ये समझ में आया? यानी कभी ऐसा लिखा हो मॉड एक्स माइनस 3, तो इसका ब्रेकिंग ऐसा होगा, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स माइनस 3 कब, जब 3 या 3 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, और 3 या 3 से छोटा, थोड़ी देर के लिए सोचिए, इसमें 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, अगर आप इसमें 2 रखते तो क्या मिलता, 2 माइनस 3 माइनस 1, पर मार्ट का रिजल्ट नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम इसके आगे माइनस साइन छोड़ते हैं। अब ये कब के लिए, लेस देन 2 के लिए, आप लिखते भी चलिएगा साथ में, समझते भी चलिएगा, लिखते भी चलिएगा, क्योंकि अभी बिल्कुल बेसिक 0 से करके आज की पूरी क्लास में इसमें काफी जो जो कंसेप्ट होते हैं वो सब क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अब क्वेश्चंस को ऐसा समझ सकते हैं, क्या चीज, हाँ 3, सॉरी कहीं रॉन्ग लिख दूं तो लेस देन 3। ऐसे ही अगर ये मॉड एक्स प्लस ए होगा तो क्या होगा, मॉड एक्स प्लस ए होगा तो क्या होगा, सिंपल एक्स प्लस ए इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ एक्स प्लस ए इफ एक्स इज बोलो लेस देन ए, माइनस का, माइनस का ए। तो पहले ब्रेक करना समझ में आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस बात का क्या मीनिंग है जो अभी आपने मुझसे पूछा कि जैसे मान लो मॉड एक्स माइनस 2 है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ इसका ग्राफ बनाओ तो केवल ऐसा होगा कि आप ठीक 2 रखोगे तो क्या होगा, 0, इसका ब्रेकिंग पॉइंट 2 है, तो ये ओरिजिन से शिफ्ट होकर 2 पे आ गया ग्राफ, इसका मतलब ये होता है, ये मतलब है। अगर कभी मॉड एक्स प्लस 2 लिखा होगा तो माइनस 2 पे आ जाएगा, लाइक दिस, ऐसा कट करते ही जाएगा उसको, ये उसका मीनिंग होता है, समझ में आया? तो ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो गया, तो इसलिए जब केवल ऐसा लिखा होता है तो आप इजीली बोल देते हो प्लस माइनस 10, क्या बोल देते हो,
पर जब मान लो मैं ऐसा लिख के क्वेश्चन दूं, तो आपको एक बात समझ लेनी है कि इसमें 10 में इसका ब्रेकिंग क्या है, 3, तो 3 ऐड और 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि 13 और माइनस का 7 होगा, ये मतलब होता है। इसमें डायरेक्ट लिख दिया प्लस माइनस 10, अब ये शिफ्ट हो गया। तो मैं आपको जो बताता हूँ कि मॉड फंक्शन का अगर एक आंसर पॉजिटिव है तो एक निगेटिव भी होगा, अगर प्लस 2 है तो माइनस 2 भी होगा, प्लस 4 है तो, पर वो किसके लिए, वो इस वाले के लिए। जब ये आ जाते हैं तो भी वही होता है, अगर प्लस 2 है तो माइनस 2 भी होगा, बट उसमें क्या होगा, जो a है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता, बस ये बताना उसमें। बात समझ में आई कि उसमें बस आपको इतना सा बताना। अब क्या होता है कि आपको मैं क्वेश्चन पहले लीनियर वाले बताता हूँ, फिर उसके बाद एडवांस वाले बताता हूँ। सपोज आपको क्वेश्चन इस ढंग से दिया है, मान लो कि आपसे बोला जाए कि मॉड 2x माइनस 3 इक्वल टू सपोज 20, क्या होगा इसका, आप इसका ब्रेकिंग पॉइंट बताओ क्या होगा, 3/2 है। तो आप अभी से श्योर हो कि आंसर तो प्लस माइनस 20 है, पर उसमें 3/2 हाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बात दिमाग में बिठाना चाहिए। बाकी करते वक्त आप ये लिख देते हो कि 2x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 20 टेकिंग प्लस साइन देन x इक्वल टू, ये प्लस लिया तो 23/2 और माइनस लिया तो माइनस 20 प्लस 3/2 तो हो गई, तो माइनस 17/2। बात समझ में आई, अब आप रख के देख लो इसमें, जैसे आपने माइनस 17/2 रखा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 17 माइनस 3 हो गया, माइनस 20 का मॉड प्लस 20, और ऐसे ये आपने रखा तो भी निकल आया, क्लियर है बात। अब कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि ऐसा ना दे के ऐसा दे दें, जैसे मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 10, ठीक है, इसका भी टेक्निक बताता हूँ। या हो सकता है ऐसा दे दें मॉड ऑफ 2x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 30, हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए मॉड ऑफ x प्लस 3, ये सब कंसेप्ट बिल्ड करेंगे आपके, मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 5 इक्वल टू 40। अच्छा कभी ऐसा लिख के दे दें मॉड x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 20, तो क्या बोलोगे, तो क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन, क्यों, मॉड का आंसर निगेटिव होता नहीं है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो कैसे करते हैं वो बताता हूँ, और ये अगर इसकी टेक्निक जो बता रहा हूँ वो समझ लीजिए, फिर इसके शॉर्टकट्स पे भी जा सकते हो, पर पहले टेक्निक समझो, टेक्निक में ही शॉर्टकट छुपा हुआ है, ठीक है। तो अब जब 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस आएँ तो कैसे सॉल्व करना चाहिए वो बताऊँगा। अब इनके ब्रेकिंग्स को लेते हैं हम, अब एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दूँ मैं कि मॉड x प्लस या x माइनस 2 प्लस मॉड 2x माइनस 5, ये वन ले लेते हैं, इक्वल टू सपोज 10। अब आपसे इसमें ये नहीं बोलेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपसे पूछेंगे फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब x की ऐसी कितनी वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। अब इस तरह के क्वेश्चंस का प्रॉपर टेक्निक समझिए, इसका ब्रेकिंग पॉइंट 1, इसका 5/2, मतलब 1 के पहले इसका नेचर, देखिए ब्रेकिंग पॉइंट जो होता है, अगर आपने लिखा है 1 तो एक बात समझ लीजिए, 1 के लेफ्ट पर नेचर नेगेटिव, राइट पर पॉजिटिव, ठीक है, ये शॉर्ट टेक्निक्स होती हैं। ऐसे ही अगर आपने बोला है 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपने बोला 5/2, तो 5/2 के राइट पर नेचर और लेफ्ट पर नेगेटिव। तो आपको इसमें केसेस की स्टडी करनी होती, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन का तरीका बताता हूँ, फिर हम इसके डायरेक्ट शॉर्टकट पे आएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या हुआ, 1, तो 1 के लेफ्ट पर यानी x लेस देन 1 हो तो इसका नेचर क्या होगा। अब इसका नेचर कभी कंफ्यूजन हो तो आपको तरीका बताता हूँ, लेस देन 1 मतलब 1 से छोटी वैल्यू, कोई भी वैल्यू बोलो 1 से छोटी, 0, तो 0 रखने पे यहाँ क्या मिलता है, माइनस, 0 रखने पे यहाँ माइनस, तो मैं ये लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, समझ में आ गई बात। अरे 1 से छोटी वैल्यू रखने पर, आपने अभी बोला ना 0 तो माइनस 1, पर ये इसने क्या बना दिया, ऐसे इसने भी पॉजिटिव बना दिया, यानी मॉड के आगे प्लस लगेगा या माइनस, इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप जो इसके लिख रहे हैं
उसके आस लेफ्ट की या राइट की वैल्यू रख के देख लो। अगर पॉजिटिव आउटपुट आ रहा हो तो पॉजिटिव साइन लगाना, और निगेटिव आ रहा हो तो, ये पहले एक दो क्वेश्चन मेथड से बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट करोगे रियल लाइन सिस्टम से, बिल्कुल एक एक सेकंड में हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले बात समझ भाई, अब आपको ये मिला, अब आपने इसको सॉल्व किया, तो माइनस एक्स प्लस वन, ये स्टेप समझाने के लिए लिखिए, बाद में ये मत लिखना। अब बोलो माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू टेन, यानी माइनस थ्री एक्स इक्वल टू फोर, तो एक्स इक्वल टू माइनस फोर बाय थ्री। अब ये वैल्यू एक से छोटी ही है तो एक रूट ये हो गया। अब चाहो तो आप रख के देख लो, 100% सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखो रख के आपने रखा माइनस फोर बाय थ्री माइनस वन प्लस, बोलना टू इंटू माइनस फोर बाय थ्री माइनस फाइव, आपने इसको सॉल्व किया माइनस सेवन बाय थ्री का मॉड प्लस, बोलो माइनस एट माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी थ्री बाय थ्री। क्यों? अब देखो इसका ये क्या दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है ना मॉड के अंदर। अब ये मॉड लगा इसलिए आपने इधर पॉजिटिव लिख दिया, समझे कि नहीं? पर यहां मॉड हटा दिया ना आपने, यहां पर थोड़ा सोचो, मॉड हटा दिया आपने तो अब ये इसको कौन पॉजिटिव बनाएगा, इसलिए ये नेगेटिव साइन दिए जाते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है ओवरऑल रिजल्टेंट पॉजिटिव। अब आप बताओ इसको ऐड किया आपने, क्या हुआ 30 बाय 3 यानी 10, यस और नो? अब क्या करेंगे, अब हम सेकंड केस पे जाएंगे। सेकंड केस मतलब अब हम ये करेंगे कि इसका एक्स लेस देन वन लिया था, अब वन को क्रॉस कर रहे हैं, वन को क्रॉस कर रहे हैं मतलब एक्स को लिया ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो वन को क्रॉस कर रहे हैं पर 5/2 के पहले तक सोच रहे हैं, क्योंकि तीन दो ब्रेकिंग है इसके, इसका इसलिए इससे नहीं करते हम, रियल लाइन से करते हैं। अभी दो क्वेश्चन के बाद रियल लाइन पे आ जाऊंगा। क्या लिया मैंने, वन से बड़ा ध्यान देना और 5/2 से छोटा, छोटे में हमेशा इक्वल टू नहीं आता, ये ले लिया ठीक। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन, अब वन से बड़ी और 5/2, वन और 5/2, वन और 2.5 के बीच की कोई भी वैल्यू बताओ क्या होगी, 2। तो अब 2 बताओ, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस वन प्लस का वन, 2 यहां रखो माइनस, तो अब मैं क्या लिखूंगा बताओ, ये एक्स माइनस वन, ये समझ में आए माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आप एक्चुअल में 1 इसमें रखते हैं तो अब यहां पर भी 1 रख के वही चीज मिलनी चाहिए। देखो 2 माइनस वन प्लस का वन, यहां 2 रखा माइनस वन और इस माइनस ने उसे क्या बना दिया प्लस। तो जब आप जो स्केल लिखते हो कि इसी वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में, तो उसकी कोई एक वैल्यू को कंसीडर करके देख लो। ये मॉड फंक्शन अभी बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया, इसका अगर एक बार कंसेप्ट बन गया तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब इस क्या आ गया ये बोलो, एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू टेन, अब कितना आ गया माइनस एक्स प्लस फोर इक्वल टू 10 या एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 6, राइट? अब एक बात बताओ, ये जो हमने लिखा ना 1 से 5/2, इसका मीनिंग होता है इस समय जो भी रूट आए वो किस में लाया करना चाहिए, 1 एंड माइनस 6 के इसके बीच में आता है, माइनस 6 बीच में आता है नहीं, तो ये इसका रियल रूट नहीं होगा। बाकी आप वेरीफाई भी करवा के देखो तो कर लो, माइनस 6 माइनस 1 रखो कितना हो जाएगा 7, और माइनस 6 यहां रखो तो माइनस 12 माइनस 5 माइनस 17, तो कितना, यस और नो? और 17 प्लस 7 कितना 24, हमें कितना चाहिए था 10, पर वो आप वैसे भी कट कर सकते हो, ये कंडीशन कोई मीनिंगफुल कंडीशन होती है। अब हम आए थर्ड केस पे, अब थर्ड केस क्या है बोलो, अब आपने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 यानी 2.5 से बड़ा, अब 2.5 को क्रॉस कर रहे हैं तो 2.5 से बड़ा जैसे 3 रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, दोनों का नेचर कैसा हो गया पॉजिटिव, तो आपने दोनों के नेचर लिखे x माइनस वन प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 10, तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 10 देन 3x इक्वल टू 16 देन x इक्वल टू 16 बाय 3, ये 2.5 से बड़ा है, ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने हुए, 2 नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन हुए। अब कई बार आप इसको प्लस माइनस से भी ओपन करके कर लेते हैं, आ जाता है, पर उसमें आगे जाके कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि 3-4 फैक्टर्स में होता है जो अभी बताऊंगा। तो ये जो अभी मैं इसके बाद और टेक्निक बता रहा हूं इससे भी अच्छी, उससे करोगे तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नोट करो पहले से। क्या होता है आपको इसमें एक, जब आप लिखते हो मॉड एक्स तो
तो आप क्या लिखते हो x, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हो इसलिए लेस देन यहाँ लेते हो, कहीं एक जगह बनाना है तो टू वर्ड राइट जब पॉइंट को क्रॉस कर रहे होते हैं तो इक्वल टू वाला लेते हो, जब लेफ्ट पे होते हैं तो इक्वल टू नहीं लेते। तो आप यहाँ पर वन को क्रॉस कर रहे हो तो इक्वल टू आ गया और इसके पहले ले रहे हो, इसलिए समझ में आया। और इसको भी इस तरीके से आगे नहीं करेंगे, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसका सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ कि क्या करना चाहिए आपको, हमेशा इसको करना चाहिए नंबर लाइन से। नंबर लाइन से जब भी करेंगे तो आपको बहुत कम टाइम में आप सही कंक्लूजन दे पाएंगे। कैसे बताता हूँ, सपोज आपको मैं क्वेश्चन दूँ, एक क्वेश्चन लेते हैं मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड एक्स माइनस फाइव इक्वल टू सपोज 20, ठीक है, क्लियर है बात। अब इसको मेंटली करना सीखेंगे आप। अब इसके ब्रेकिंग पॉइंट क्या क्या है, रियल लाइन पे चलेंगे हम। एक ब्रेकिंग पॉइंट है वन, एक है थ्री, एक है, याद रखिए इस अकेले के लिए वन के राइट पर पॉजिटिव, लेफ्ट पर नेगेटिव, थ्री के राइट पर पॉजिटिव, लेफ्ट पर, ये समझ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इंडिविजुअली देखते हैं। जैसे ही थ्री को क्रॉस करेंगे इसका ओपन पॉजिटिव होगा, थ्री के पहले नेगेटिव, ऐसे ही फाइव के लेफ्ट और राइट पर ये होगा। अब आप स्टार्ट यहां से होते हैं और एंड तक जाना होता है, यानी वन से छोटे पे स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाना है, फाइव को क्रॉस करना है। तो सिंपल सा तरीका, जब आप वन से छोटा लेंगे तो इसका नेचर क्या है, जब इसका नेगेटिव है तो बाकी का नेगेटिव होगा, तो इन तीनों के आगे नेगेटिव लगेगा। तो अब आपके दिमाग मेंटली जितना कर सकते हो करो, जैसे माइनस थ्री एक्स, फाइव प्लस थ्री एट प्लस वन नाइन, तो प्लस का नाइन इक्वल टू 20, यानी माइनस थ्री एक्स इक्वल टू, बता रहा हूँ क्या करा, तो एक्स इक्वल टू माइनस 11 बाय 3, ये आया माइनस 11 बाय 3। क्या किया मैंने, जितना भी काम था कैलकुलेशन मेंटली किया, जब मैंने वन से छोटा लिया, ठीक है, कौन सी कंडीशन ले रहा, लेस देन वन, तो तीनों के ओपन क्या होंगे, माइनस, तो तीनों के आगे माइनस लगा, तीनों के आगे माइनस लगा हुआ है, तो क्या क्या आएगा देखिए, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री, माइनस ऑफ, अब मैंने ये काम मेंटली कर दिया, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, तो देखो ये लिखा था माइनस थ्री एक्स, फाइव ये प्लस का हो गया, प्लस थ्री प्लस वन, तो कितना हो गया, नाइन इक्वल टू 20, तो माइनस थ्री एक्स इक्वल टू 11, देन एक्स इक्वल टू माइनस 11 बाय 3। अब 11 बाय 3 जो माइनस का है वो वन से छोटा होता है कि नहीं, होता है, क्योंकि वन के पहले ही आएगा, नंबर लाइन से करोगे तो दिखेगा भी। इसको सर्कल बनाया और इस पर राइट लगा दिया, यानी एक सॉल्यूशन ये आ गया, राइट। अब क्या करेंगे आप, समझना बहुत अच्छे से, अब क्या कर रहे हैं आप, अब वन को क्रॉस कर रहे हैं, तो वन को जैसे ही क्रॉस किया, लेफ्ट और राइट का फंडा याद रखना, वन को जैसे ही क्रॉस किया किसका नेचर पॉजिटिव हुआ, इसका, इन दो के, क्योंकि अभी आप इनके पहले हो, तो मतलब आप दूसरा केस एक्चुअल में लेते हो वन और बिटवीन वन एंड थ्री, ये लॉजिक होता है कि आपने अब सेकंड केस कौन सा कंसिडर किया, बिटवीन वन एंड थ्री, तो वन से ऊपर और थ्री से नीचे, ये वाला केस लिया। तो अब आपने लिखा क्या, सुनिए, अब आपने लिखा वन, मतलब ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि वन लेस देन इक्वल टू ये थ्री, इसकी जगह आप डायरेक्ट कर लें। अब बताओ इसका नेचर पॉजिटिव, इन दो के नेगेटिव, मेंटली कर सकते हो, ये दो के आगे माइनस है और ये प्लस है, तो एक तरह से माइनस एक्स बचा, ये दोनों प्लस के हो गए, फाइव प्लस थ्री एट, एट माइनस वन सेवन, सेवन में आ गया तो थर्टीन इक्वल टू 13, क्यों, तो एक्स इक्वल टू बोलो माइनस 13, क्या इसके बीच में आता है वन और थ्री के, इसमें क्लियर दिखता है, कट कर दिया, ये इसका रियल सॉल्यूशन नहीं है, बच गया आपका टाइम, कंसेप्ट भी बन गया, टाइम भी बच गया, लॉजिक भी समझ में आने लगे। बाकी आपको लिखना ये था, अगर आप इनिशियल स्टेज पे लिखना चाहें तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, ये दोनों नेगेटिव ओपन होंगे, एंड दिस इक्वल टू 20, तो ये फाइनली मिला एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 20, देन ये कैंसिल, एक ये देखो ये माइनस एक्स मिला, एक्स एट माइनस वन सेवन, दिस इक्वल टू 20, देन एक्स इक्वल टू, पर अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आप मेंटली कर सकते हो कैलकुलेशन। अब किसको क्रॉस करेंगे हम, थ्री तक आ गए, अब थ्री को क्रॉस करेंगे पर फाइव के पहले, तो बिटवीन थ्री एंड फाइव, तो जैसे ही थ्री को क्रॉस करा इसका नेचर भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, केवल ये बचा नेगेटिव। मेंटली करने की कोशिश करें तो एक एक्स कैंसिल, तो आपको प्लस एक्स बचा, ये दोनों नेगेटिव वैसे ही रहेंगे, तो माइनस फोर प्लस फाइव, तो प्लस का वन, तो क्या मिल गया, एक तरह से
19, क्या 19 इन दोनों के बीच में आता है? नहीं, कट चेक नहीं करना पड़ेगा आपको, इसका यही फायदा होता है नंबर लाइन से, चेक नहीं करना, वो उसका रियल रूट हो ही नहीं सकता, आप रख के भी देखोगे तो नहीं निकलेगा। आप किसको क्रॉस करेंगे? पर ये समझ में आ गया, अब स्टेप बोलो तो लिख सकता हूं मैं। अब आप इसके जब 3 को क्रॉस कर रहे होते तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, केवल ये नेगेटिव। एंड जब 4th वन केस पे जाएंगे, किसको क्रॉस कर रहे हैं? 5 को। ये सब कंसेप्ट एक बार बन जाएंगे तो आपको फिर जो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन आते हैं अपने आप बनने लगेंगे। अब 5 को क्रॉस करेंगे तो ऑल आर, अब मेंटली एक्स 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 बोलो, 3x 1 3 4 माइनस 9 उधर गया तो 29, यस और नो? तो 29 बाय 3 मतलब 9 पॉइंट समथिंग, 5 से बड़ा है, ठीक है। ये कितने सॉल्यूशन हो गए? 2। और आप ऐसा मत सोचना है मैंने मेंटली दिया क्वेश्चन, अभी 2 मिले, कई बार 4 भी, 4 के 4 भी मिल सकते थे, कभी बीच में मिलते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? ये सबसे इजीएस्ट लॉजिकल वो होता है सॉल्यूशन मेथड, इसमें मिस्टेक कभी भी नहीं होगी, नोट करो इसको। क्लियर है बात? अब देखो एक और क्वेश्चन लिखते हैं जरा, ये करिए आप, इनसे आपका एक बेस डेवलप होगा। लिखिए मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 इक्वल टू, कुछ भी ले लेते चलिए 30, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 इक्वल टू 30। अब इस क्वेश्चन को सपोज आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम समझें कि क्या होगा। ये होगा x प्लस 2, अगर हम इसको रियल लाइन से करें तो माइनस 2 3 एंड 5। आपको पता है नंबर लाइन पे ब्रेकिंग पॉइंट के लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव, वो लिखा नहीं लिखा चलेगा। अब मेंटली माइनस 2 से छोटा बोलिए, ऑल आर, अरे ऑल आर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो माइनस 3x, ये बोलो 3 प्लस 5 8 माइनस 2 6, तो कितना 24, तो x इक्वल टू माइनस 8, माइनस 8 माइनस 2 से छोटा है कि नहीं, ये राइट हो गया, मतलब एक सॉल्यूशन आ गया। अब देखो इस कंसेप्ट से करने का फायदा ही कि आपने स्टेप्स नहीं लिखी, अब आपने खुद ही ये स्टेप बचा ली, ये आपके हाथ में खुद, आप जब आप करोगे प्रैक्टिस तो समझ में आएगा कि हाँ ये एक तरीका होता है। और ये जब होगा बिल्ड, जब आप स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ पढ़ना चालू करोगे, तो ये हो गया माइनस ऑफ 3x, ये देखो माइनस 2 प्लस 3 प्लस 5, मानने से स्टेप लिखने से आपका टाइम बढ़ता है, ये 8 माइनस 2 6 24, देन x इक्वल टू, जो आप डायरेक्ट भी लिख पा रहे थे। अब किसको क्रॉस करेंगे? माइनस 2 को क्रॉस करेंगे, और किसके पहले? 3 के पहले, तो माइनस 2 को जैसे ही क्रॉस किया, इसका नेचर पॉजिटिव, उनके नेगेटिव, जो आगे के रूट्स हैं वो नेगेटिव हैं। और अब आप केवल इसके बीच में बात कर रहे हो, अभी इन दो रूट के बीच में, मतलब एक्चुअल में अगर कंसेप्ट से देखें तो ये कर रहे हो अब आप, अगर आप अलग से रियल लाइन से नहीं कर रहे होते तो कितना माइनस 2 से 3 के लिए आप सॉल्व कर रहे होते, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा, तो अब देखें तो इसका नेचर पॉजिटिव, इसका नेचर नेगेटिव, इसका नेचर नेगेटिव, क्यों? एक कैंसिल, एक माइनस एक्स, ये मिला 8 प्लस 2 10, तो 20, तो x इक्वल टू माइनस 20 यहाँ आता है, नहीं लिख के कट कर दो, अपने आप ही कंक्लूजन में समझ में आ जाता। अब आपने थर्ड को क्रॉस किया, किसको? 3 एंड 5 के बीच में, बिटवीन 3 एंड 5। हर एक चीज का अगर बेसिक स्टार्टिंग जब भी करो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ो, एक एक चीज समझो। अब 3 एंड 5 की बात करें, तो अब आपने 3 को क्रॉस किया 5 के पहले, तो ये दोनों और वो नेगेटिव, प्लस का एक्स बचा, ये थ्रू माइनस, माइनस 1 माइनस 1 प्लस 5 4, और वो उधर गया तो 26, तो बोलो कितना 26 ना, ये भी नहीं है। अब क्योंकि ये मैं क्वेश्चन मेंटली लिख रहा हूँ इसलिए स्टार्टिंग एंड पॉइंट मिल रहा है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं पर भी मिल सकते हैं। अब बाकी आप करते तो यही लिखते, देखो x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 30, ये एक कैंसिल, x मिला, ये हो गया माइनस 1, तो ये मिला प्लस 4 इक्वल टू 30। अब थर्ड केस पे जैसे ही 5 को क्रॉस किया
all are positive, तो आप लिखेंगे all are positive, तो 3x minus 8, तो minus 6 equal to 30, यानी 3x equal to 36, then x equal to 12, ये 12 इसका solution set होगा। पर मिसकंसेप्शन मत पालना कि स्टार्टिंग और एंड होते हैं, मैं सब अपने दिमाग से दे रहा हूं क्वेश्चन, आप बुक के क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग तो बीच के भी रूट्स मिल सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, मॉड ऑफ एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 15। समझ में आ गई बात? जैसे ये क्या है, x प्लस वन, ये है x माइनस वन, ये मॉड x माइनस थ्री, मॉड x माइनस सिक्स, 15। पहला केस लिया माइनस वन से छोटा, फिर वन, फिर थ्री, फिर सिक्स। जब आपने माइनस वन लिखा तो ऑल आर निगेटिव, माइनस थ्री बाई टू मिला। माइनस वन से वन लिया आपको माइनस टू मिला जो रियल रूट नहीं है, वन से थ्री लिया तो एक्स कैंसिल हो गया, नो रूट मिला। थ्री से सिक्स लिया, सिक्स मिला, पर सिक्स यहां पे क्यों कंसिडर नहीं किया समझ में आ गया, क्योंकि लेफ्ट को इंक्लूड नहीं करते इसलिए नहीं किया, पर जैसे ही सिक्स को क्रॉस किया ऑल आर पॉजिटिव, उसमें सिक्स मिल गया, तो आपको टू नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन यहां पर मिले। ये क्लियर है बात? हाँ, 86 बता दो, रुको। अब ये एक मॉड का बेसिक कंसेप्ट हुआ। यस, अब मैं बात करता हूं, ये हुआ मॉड का बेसिक कंसेप्ट। अब मॉड पे क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, फिर इन इक्वेशंस पे आते हैं। जैसे कभी कभी आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव मॉड एक्स, अभी पेपर में भी एक था, प्लस सिक्स, या हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मॉड एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, या हो सकता है इस तरह का हो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू मॉड एक्स प्लस टू प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, ऐसे भी हो सकते हैं। इनका भी सेम प्रोसेस होता है, बिल्कुल सेम। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो अगर पूरी इक्वेशन ही पॉजिटिव हो तो तीन पॉजिटिव का सम कभी जीरो, ये क्वांटिटेटिव में बहुत कॉमन चीजें पूछा जाता है, इसका तो डायरेक्ट लिख दो आप सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी। पर इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मॉड एक्स प्लस, तो इसमें आप कंडीशन लेते हैं, आपने सबसे पहले लिया x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, यहां पर फैक्टर मिले माइनस थ्री माइनस टू, तो x की दो वैल्यू आ गई, टू एंड थ्री। अब क्योंकि टू एंड थ्री हैं तो बिना सॉल्व करे आप बोल सकते हैं माइनस टू एंड, अगर मॉड एक्स, मॉड एक्स है तो, मान लो मॉड एक्स प्लस टू होता और टू थ्री मिलता तो अगला माइनस टू माइनस थ्री नहीं होता, वो शिफ्टिंग होती थोड़ी सी उसमें, समझ में आ रहा है? वो आपको लॉजिक समझ में आ गया कि ओरिजिन कहां पर शिफ्ट हुआ उसके हिसाब से थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होती। तो सिंगल मॉड एक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मॉड के साथ कुछ और प्लस माइनस हो रहा है तो रूट थोड़े से चेंज होंगे। वो कितने चेंज होंगे? प्लस टू से ही चेंज होंगे, मतलब इसको जीरो से इक्वेट करोगे उतना ही चेंज होता है बस। तो अब यहां पर ये आ गया, अब दूसरे रूट मिल गया माइनस टू माइनस थ्री। बाकी आप कंडीशन लेते तो आप लिखते एक्स लेस देन जीरो, तो ये मिल जाता एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस ओपन होता प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, सॉल्व किया तो माइनस टू एंड। अब सपोज ये क्वेश्चन इसके निकालिए, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए? फोर। ये निकालिए, कभी भी कोई चीज को टफ को इजी बनाना तो पहले इतना इतना सिंपल, इतने बेसिक करो और टफ से टफ क्वेश्चन कर लो, अपने आप इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन मॉड एक्स प्लस ट्वेंटी, बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस, तो बोलो, तो एक्स इक्वल टू, तो फोर एंड फाइव है तो इसका मतलब माइनस फोर माइनस फाइव भी होंगे, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, यानी इसके नंबर ऑफ रियल रूट फोर हुए। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, सपोज इस तरह का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन मॉड एक्स प्लस, या माइनस एट ले लेते हैं, माइनस एट इक्वल टू जीरो, इसको देखिए जरा सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन मॉड एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। आपने पहला केस लिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का,
तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x, तो x माइनस 8 इनटू, बोलो x इक्वल टू 8, और आपने कंडीशन लिखी ग्रेटर देन की, तो ग्रेटर देन जीरो वाला ही रूट कंसीडर करें, तो यहां पर ओनली यही रूट होगा, ये रूट नहीं होगा, इज दैट क्लियर। अच्छा अब प्लस 8 है तो माइनस 8 भी होगा। अच्छा यहां पर हमें कोई उलझने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल मॉड एक्स है, तो जो प्लस होगा वही माइनस, केवल समझ में आ गया आपको। चेंज कब होता है, जब कोई चीज शिफ्ट हो, अभी वो भी करते हैं क्वेश्चन। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा है, लिखते भी चलो आप साथ में। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि एक्स क्या है, क्वेश्चन मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब निकालो इसके जरा नंबर ऑफ रूट्स, क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, निकालिए इसका। अब इसमें बिल्कुल वैसे ही करना है जो अभी हम करते आ रहे हैं, क्या वो पता है ना आपको, नंबर लाइन पे लेके भी कर सकते हो, बिना नंबर लाइन के भी कर सकते हो। अब ब्रेकिंग पॉइंट बोलिए क्या है, माइनस ऑफ 1, ब्रेकिंग पॉइंट है माइनस ऑफ 1। अब ब्रेकिंग पॉइंट अगर माइनस ऑफ 1 है तो इसका ओपन कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 4, राइट, कब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब टू वर्ड राइट की बात कर रहे हैं, एक ही है ना, तो राइट या लेफ्ट कोई भी ले सकते हो, पहले एक ही रूट है, अब लेफ्ट भी ले सकते थे, समझ में आया। माइनस 1 को क्रॉस किया ना आपने, तो माइनस 1 को क्रॉस करोगे तो पॉजिटिव, और माइनस 1 के लेफ्ट पे लोगे तो निगेटिव। मान लो मैं ऐसा लिखता जो आप अभी कंफ्यूज हो रहे हो, मान लो मैं माइनस 1 का ये वाला लेता तो मैं ऐसा लिखता एक्स लेस देन माइनस 1 पे एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं समझे, डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले ले रहे हो, दोनों ही लेना है केसेस। अब जब आपने ये केस लिया तो बताओ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बताइए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब सब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, मैंने दिया भी मेंटली इसलिए कि आपको कुछ और नए कंसेप्ट बताऊं। कोशिश यही करना चाहिए कि जितना लॉजिक मेंटली डेवलप करो उसके फायदे ज्यादा मिलते हैं, बुक के क्वेश्चन अपने आप इजी लगेंगे, बुक में बहुत ही स्टैंडर्ड आते हैं। अब इसको पर एक बात दिख रही है आपको, सी निगेटिव है, और सी जब भी निगेटिव हो रूट्स हमेशा रियल होते हैं, ऑलवेज रियल होते हैं, इसलिए मैंने सी निगेटिव रख के दिया था क्वेश्चन में। अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, फैक्टर बन नहीं रहे, कोई 3 के 7 तो आएंगे नहीं, तो आपने इसको फॉर्मूले मेथड से किया। आप देखो क्या कहां पर गड़बड़ हो सकती है बताता हूं, एक्स इक्वल टू 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 प्लस बाय 2, अब आपने लिखा एक्स प्लस 3 प्लस रूट बोलना 37 बाय 2, राइट। अब थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, 3 प्लस माइनस 6 पॉइंट समथिंग बाय 2, अगर आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो 9 बाय 2 लगभग 9 पॉइंट समथिंग यानी 4.5 के आसपास अप्रोक्सीमेट, नेगेटिव लेंगे तो माइनस 3 पॉइंट समथिंग बाय 2 यानी माइनस 1.5। याद क्या रखना है, ग्रेटर देन माइनस 1, तो ग्रेटर देन माइनस 1 मतलब जो माइनस 1 से बड़ा हो, तो अगर मैं माइनस 1 के बाद के स्केल की बात करूं तो माइनस 1.5 यहां नहीं आता है, यहां आता है, तो ये रियल रूट नहीं होगा। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में क्लिक नहीं करती वो बात, प्लस माइनस लिख के दे देते हैं या हम 4 रूट बोल देते हैं, पर मॉड, इसलिए तो मॉड क्वांटिटी एग्जाम में बहुत आता है, आप चाहे जेई का एग्जाम देखो किसी का भी एग्जाम देखो, इसलिए ज्यादा आता है। बात समझ में आ गई कि आपने जो पहले समझ में आया, क्वाड्रेटिक जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किया, ये दो रूट आ गए। अब इसके बाद ये कंडीशन बहुत मीनिंगफुल होती है, इस कंडीशन को देखे बिना आंसर देंगे तो आंसर 100% रॉन्ग होगा, इसको देख के कोई भी 2 बोल देगा, अंडर रूट में क्लिक नहीं करता, बाकी वहां कर जाएगा, जैसे 2 माइनस 2 मिला तो देख के समझ में आ जाता माइनस 2 नहीं होगा,
पर ये अंडर रूट वाली चीज है, एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा, इसलिए ध्यान रखना। तो आपको समझ में आ गया, यहां पर ये वाला रूट इसका नहीं है, तो इसका कौन सा रूट होगा इस समय, बोलो, 3 + √37/2, ये इसका एक रियल रूट हुआ। अब क्योंकि ये मॉड एक्स होता तो अलग बात थी, हम इसका अपोजिट ले लेते, ये मॉड नहीं है, पर मैं एक बात श्योर हो गया कि अगर यहां पर एक मिला है तो उधर भी। अब आपसे नंबर ऑफ रूट पूछें तो आप यहां पे कंक्लूजन देने की कंडीशन में आ गए हो, बात समझ में आ गई मेरी, पर क्या होगा वो अलग हो सकता, सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मॉड ऑफ एक्स प्लस वन है। अब उसका भी निकालो जरा फटाक से। अब जब आप उसका निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो कर लोगे आप, इसका हम निकालेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 1, यस और नो? अब आप लिखेंगे कितना, एक्स इक्वल टू बोलो माइनस पी प्लस माइनस 9 + 4 13/2, ठीक है। एक बार लिया प्लस साइन, माइनस 3 + √13/2, एक बार लिया माइनस साइन, बोलो कौन सा वाला होगा, पहले तो ये बताओ, माइनस वन से छोटा। अब ये तो प्लस वाला है भाई, रूट 13 चाहे कुछ भी हो 3 point something होगा, 3 point something में माइनस 3 हुआ तो पॉजिटिव बचा, आपको तो माइनस वन से छोटा चाहिए था, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, यस और नो? तो कौन सा होगा, ये होगा। अच्छा ये दोनों देखो सिमिलर दिख रहे हैं क्या, नहीं हो ही नहीं सकते थे क्योंकि मॉड एक्स नहीं था, पर आपको कंक्लूजन देना आता है कि अगर पॉजिटिव पे भी है तो आप उसके निगेटिव पे मिलेगा, क्लियर है बात? तो ये 2 इसके रियल सॉल्यूशन हुए। तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस में, कई बार ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, हम जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं या हम प्लस माइनस नहीं लेते, वो लेना पड़ेगा आपको। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 4x प्लस 3 + 2x + 5। अब इसमें क्या होगा, इसके फैक्टर्स बनेंगे तो x प्लस 1 एक्स प्लस 3 प्लस 2x + 5 = 0। अब इसमें भी ओपन करना है आपको, अब इसमें ओपन कैसे करोगे, या तो ये दोनों क्या होना चाहिए, मतलब देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा इनिक्वेशन का कंसेप्ट लगेगा कि अगर आप अभी इनिक्वेशन भी पढ़ाऊंगा, मान लो माइनस वन और ये माइनस थ्री और माइनस वन ले लूँ तो क्या होगा, देखो -3 और -1 ले लूँ, इसके ब्रेकिंग पॉइंट क्या हुए, -3 - 1, आप -3 से -1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे, जैसे कोई एक आध वैल्यू सोचो -2, तो आप इसमें -2 रखो तो आपको मिलेगा, देखो -2 का स्क्वायर 4 -8 + 3 निगेटिव मिला। आप -1 के बाद की कोई वैल्यू रखो और -3 के बाद की कोई वैल्यू रखो तो पॉजिटिव, इसका मतलब इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है -3 - 1, यहां पर पॉजिटिव नेचर, यहां निगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, ठीक है। पहले समझ में आ गई बात, अभी इस क्वेश्चन के बाद हम इन इक्वेशन का बेस भी समझते हैं, इन इक्वेशन पे हुआ कि इसको आपको देखना है, आपको मॉड साइन हटाने का मतलब होता है कि उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको लेना है। तो आपने जब बोला कि ये -3 दो रूट है, -3 - 1, उनको रियल लाइन पे अरेंज कर लिया, एक बार लिखा -1 एक बार लिखा -1, पर ये क्वाड्रेटिक है इसलिए इसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। अब आपने अपनी तरफ से -3 से छोटी कोई वैल्यू रखी, फॉर एग्जांपल -4, तो -4 रखने पे देखो क्या आ रहा है, 16 - 16 + 3 पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव बना दिया। -3 से -1 के बीच की रखने पर नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाए, और 1 - 1 के बाद 0 रखो जैसे तो +3। तो अब इसको हम ऐसे करेंगे कि यहां पर हम लेंगे केस, सुनिए ध्यान से, x < -3 सबसे पहला, तो ओपन बोलो कैसा होगा, ये होगा ओपन निगेटिव के साथ, पूरा मॉड निगेटिव के साथ होता है और ये वैसे ही रहेगा, ये ध्यान रखना मॉड का ओवरऑल, क्योंकि अब आप -3 से छोटी वैल्यू पूरे में रखते हो और ये -2 से क्या बनाता है, पॉजिटिव। अब इसको जरा अरेंज करो तो -x² - 4x - 3 + 2x कहां पर, हाँ पॉजिटिव ही, अच्छा सॉरी पॉजिटिव दे रहा था, सॉरी -3 के बाद आएगा, अभी वाई चांस लिख दिया, हाँ पॉजिटिव दे रहा था, तो ये हो गया x² + 6x +
अब इसके फैक्टर बन गए 2 and 4, तो आपको मिला -2 and -4। अब एक बार बताइए -2 क्या इस लाइन पर है, -3 के पहले आता है क्या -2? -2 यहां आता है और -4 यहां आता है, तो कौन सा रियल रूट हुआ? तो एक रूट -4 यहां लिख के छोड़ दिया। मॉड फंक्शन के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते इसलिए हैं क्योंकि जिसके कंसेप्ट क्लियर है वही कर सकता, सभी कोई नहीं कर सकते, राइट? तो ये आ गया एक -4। अब बात करते हैं -2 -4 में पहले क्या हो गया, अब किसको क्रॉस करना है? -3 को क्रॉस करना है और -1 के बीच में लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा लिखूंगा -3 से, बोलो, तो अब ओपन कैसा होगा? नेगेटिव। तो अब ये नेगेटिव ओपन होगा, मतलब आप लिखोगे माइनस का x² + 4x + 3 + 2x + 5। जरा अरेंज करिएगा बेटा, तो ये -x² - 2x + x² + 2x - 2 = 0। अब इसके फैक्टर देखो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बट सी नेगेटिव है तो रूट तो रियल होंगे। अब वो इसके लिए रियल होंगे कि नहीं अलग बात है, पर इसके टू रूट्स मिलेंगे, ये बताना मतलब है। अब उसके टू रूट्स क्या होंगे वो देखते हैं। तो x = बोलो -b + -b² 4 + 8 = 12, यानी 2√3/2, यानी x = -1 + -√3। अब -3 से -1 पे ही जाना है, तो पहला लिया मैंने -1 + √3, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा ना, -1, अरे भाई -1 + 1.73, तो 0.73, तो -3 से -1 में कहां आता है, तो ये नहीं हुआ। अब आ जाओ -1 - √3 - 2.7, ये हो जाएगा। इसका मतलब एक रूट और आ गया, कितना? -1 - √3, -1 - √3। अब तीसरा केस -1 को क्रॉस करेंगे, इसमें इसलिए तो नंबर ऑफ रूट पूछते हैं, एक्स पूछेंगे तो आप ऑप्शन लगा दोगे। पहले बात समझ में आ गई कि ये दो रूट्स आए, पर ये जो इसका -1 + √3 जो है वो इसके लिए रियल रूट नहीं है, वो कंडीशन बहुत मीनिंगफुल होती है। अब आपने -1 को क्रॉस किया, जैसे ही क्रॉस किया फिर प्लस हो गए, तो यही के ही आएगा ना। तो अब क्या मिलेंगे आपको, रूट तो यही मिलेंगे -2 - 4। आपने अभी कौन सा लिया था? -4। -2 उधर आएगा क्या? तो मतलब खत्म, बात खत्म हो गई, क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब इसके ये टू रूट्स आ गए, कौन कौन से? 4 and -1 - √3। नोट करिए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, मॉड हटाओगे तो बोलो +-(x), ठीक है? तो आप क्या लिखोगे, एक बार प्लस साइन ले लीजिए, तो 3x - 2 = x, देन 2x = 2, देन x = 1। अब इसको वेरीफाई करो, यहाँ पे x के बंद रखो, 3 - 2 = 1, 1 = 1, एक बार निगेटिव ले लें, तो 3x - 2 = -x, देन 4x = 2, देन x = 1, वो भी वेरीफाई करके देख लो कॉन्फिडेंस के लिए। तो आपने रखा 3/2 - 2, दिस इज 1/2, माइनस का आता है मॉड में, पर मॉड -1/2 प्लस, और इक्वल टू भी 1/2। कर सकते हैं अभी इसको, ये आ गया, रुक जाओ पहले बता दूं। अब इसको भी ऐसे ही करना है, तो क्या करोगे बोलो, x = ±x²-1। अब आपने एक बार लिया प्लस साइन, तो x = x²-1, तो x² - x - 1 = 0, तो x की वैल्यू निकाल लो, 1 + -√5/2। हाँ, एक
मतलब ऐसा आएगा, ये प्लस ले रहा, देख लो 1 प्लस रूट 5 बाय 2 और एक आ जाएगा। अच्छा एक बार ले लो नेगेटिव, नेगेटिव लो तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इससे भी निकल आएंगे रूट्स, क्या जाएंगे बोलिए, माइनस 1 प्लस माइनस रूट, बोलो 5 बाय 2, यानी वही निकलना है, तो इसका मतलब यही आ जाएंगे, मतलब ये दो रूट ही मिलेंगे इसके, ये दो रूट ही मिलेंगे। अब आप चाहो तो इसमें वेरीफाई करके देख सकते हो। ये समझ में आया, अब इसका एक तरीका ये हो गया। दूसरा, एक बार आप लेते x ग्रेटर देन 0, मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ऐसा लिखते बेटा, क्यों लिखते, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इस पे प्लस वाला रूट लेते, वही बात है 1 प्लस रूट 5 बाय 2, बोलो राइट। एक बार क्या लेते, x लेस देन 0, तो इस पे कौन सा वाला लेते, माइनस वाला, यानी कौन सा 1 माइनस बाय 1 माइनस, नहीं इसमें फिर ऐसा आता, यहां पर माइनस लेते तो क्या आ जाता, देखो अगर आप माइनस लेते इससे करो बल्कि, तो माइनस एक्स इक्वल टू बोलना कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाँ वही आता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो आप बोलो कितना, करते वही सॉल्व, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2, पर कौन सा लेना है, माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 2। अब वैसे भी देखो ये मॉड है, सिंगल मॉड है, प्लस और माइनस कॉम्बिनेशन बन गया,